हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल माय फार्मा टिप्स में। आज की वीडियो में हम जेरबिसा टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। जेरबिसा टैबलेट का मेनली यूज कब्ज की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए। जर्मन रेमेडीज कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 11 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। जेरबिसा टैबलेट में बिसाकोर्डिल IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद बिसाकोर्डिल यह ड्रग स्टिमुलेटेंट लैक्सिटिव के क्लास में आता है। यह टैबलेट सीधे आंतों की गतिशीलता को बढ़ाती है, जिससे मल को नरम और त्यागना आसान हो जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। उस टैबलेट का मेनली यूज कब्ज की समस्या दूर करने में किया जाता है। आमतौर पर एक हफ्ते में 3 से कम बार मल त्याग करने की समस्या को कब्ज कहते हैं। इस टैबलेट के उस डॉक्टर सर्जरी से पहले पेट की सफाई के लिए मरीज को भी देते हैं। इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में कब्ज के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं। अगर आप इस टैबलेट को प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इसे प्रेगनेंसी में अपने मन से घर पर यूज़ न करें। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपके कब्ज की समस्या पर निर्धारित रहता है। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट खाना खाने से 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से 2 घंटे पहले भी ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको पेट दर्द, दस्त, मितली, उल्टी, पेट में ऐंठन होना, डिहाइड्रेशन होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस टैबलेट को दूध से भरे प्रोडक्ट के साथ न लें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा मेडिसिन न्यूज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।